अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल मोइज़ आसिफ, यूट्यूब रहने वाला हूं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, मोइज़ भाई आपकी स्टोरी क्या थी एंट्री टेस्ट देने की, नर्स एंट्री टेस्ट आपने किस तरह से दिया, कहां से स्टार्ट किया, कहां से प्रिपरेशन की, कौन सी अकेडमी से की, आप अपनी स्टोरी सुनाओ। तो मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। यार मुझे दिसंबर में एंट्री टेस्ट होता था NET1, मुझे पता भी नहीं था नर्स क्या चीज़ है। नवंबर में मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार इस तरह नर्स एक यूनिवर्सिटी अच्छी है, पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, टेस्ट देते हैं। आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है यार दे देंगे, क्या है, तीन टेस्ट है, तीनों दे देंगे। अब पहले एंट्री टेस्ट में आई वॉजन प्रिपेयर एट ऑल, मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की, मैं उस अकेडमी का नाम नहीं लूँगा, एक अकेडमी ज्वाइन की, उस अकेडमी से एंट्री टेस्ट की थोड़ी बहुत तैयारी की, लेकिन लिटरली मैंने उस वो जो रजिस्टर, बस रजिस्टर पे नोट की थी चीज़ें, लिखे तक भी नहीं था, कुछ पढ़ा भी नहीं था, ठीक है ना। एक बार वो रजिस्टर मैंने खोल के नहीं रखे थे, वो स्टोर रूम में जाकर रख दिए थे। और एंट्री टेस्ट में बगैर पढ़े कुछ किए नंबर, बगैर एक लफ्ज पढ़े मैं एंट्री टेस्ट देने इस्लामाबाद चला गया। अब मैंने वहां जाकर एंट्री टेस्ट दिया, वापस आए और मेरे 112 नंबर आए, और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जीरो प्रिपरेशन की और मेरे 112 नंबर आ गए, अच्छे थे। देन आई डिसाइडेड कि अब ना मैंने तैयारी करके देना है NET। अगला NET मार्च में हुआ, मेरे सेकंड ईयर के पेपर भी होने वाले थे, तो सेकंड ईयर का जो मेरा वैसे ही तैयार था, फर्स्ट ईयर जो था वो मेरा तैयार नहीं था, तो मैंने उसका अपना पूरा स्केड्यूल बनाया, प्लान बनाया कोई 30 दिनों का, उसमें से डिवाइड की सारी चीजें, एक दिन में मैंने इतना पढ़ना है। प्लानिंग में आप लोगों को हमेशा बता दूं बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो प्लानिंग करो, प्लानिंग के बगैर आपको दिनों की अहमियत का नहीं पता चलेगा। मैंने खैर प्लानिंग की, एक एक दिन पे काम किया, 30-40 दिन मैंने फर्स्ट ईयर भी पढ़ी, सेकंड ईयर भी पढ़ी, और मेरे अबू ने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम्हारे सेकंड ईयर के मार्क्स जो है वो इफेक्ट ना पड़े। मार्च चल रहा था, मेरे अप्रैल के एंड में बोर्ड के एग्जाम थे और FLP फुल लेंथ पेपर वगैरह चल रहे थे अकेडमीज में, मतलब फुल दबाव होता है ना एंड में, आप लोगों को पता है। तो मैंने कहा था ठीक है मेरा उसमें नहीं, तो मैं सेकंड ईयर भी पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर भी पढ़ रहा था, मैंने हाँ उर्दू PS और ये इंग्लिश ये सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, मैंने सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था उन दिनों में। मैंने सेकंड NET मैंने वो रजिस्टर्स खोले, वो नोट्स खोले, उनसे मैंने पढ़ा, और वो नोट्स पढ़ के सब कुछ करके मेरे नंबर 137 आ गए और मेरा नेक्स्ट इस्लामाबाद में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। आई वॉज रियली हैप्पी, लेकिन इतना हैप्पी नहीं था क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी और उसके लिए उस दौर में 152 मार्क्स चाहिए होते थे। अब 152 मार्क्स जो थे वो मेरे लिए लेना, इसलिए मुझे सिर्फ देखो मेरी सेकंड NET में भी तैयारी पूरी थी, टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं रह गया था। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, तैयारी की, अपने वो नोट्स खोले, वो अकेडमी दोबारा ज्वाइन की, दोबारा नोट्स बनाए, दोबारा पढ़े, टाइम मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी बनाई जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों ने क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश 30 मिनट में ये 60 MCQs हो जाते हैं, ठीक है। EMD के फॉर्मूला से चलना है, इजी मीडियम डिफिकल्ट, उसके बाद आप लोगों ने मैथ और फिजिक्स को पकड़ना है, 2.5 घंटे में 140 MCQs इजीली हो जाएंगे, इजी मीडियम डिफिकल्ट, ये स्टार्ट नहीं करना, बच्चे का करते हैं पहले MCQs स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा जाते रहते हैं, मुश्किल भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, इजी भी कर रहे हैं, आपका दिमाग थक जाता है, आप नहीं कर पाओगे 200 MCQ सॉल्व, फिर आसान MCQs भी गलत लगाने लग जाओगे। तो EMD के फॉर्मूला, इजी मीडियम डिफिकल्ट के फॉर्मूला से चलना है, सबसे पहले इजी MCQs, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट, यही स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए आजमाई और मेरे 152 मार्क्स आए लास्ट NET में। उस NET में ये सीन था कि मेरे पास एंड में 15 मिनट बच भी गए थे एंड आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट। अच्छा देखो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मैं कॉन्फिडेंट क्यों था क्योंकि मेरे पहले 137 नंबर आ चुके थे, मुझे पता था कि अगर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं होता तो कंप्यूटर साइंस में मेरा हुआ हुआ, नेक्स्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना, बस मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेने के लिए अब कर रहा हूँ, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे नंबर इतने बढ़ गए थे। तो आप लोगों ने भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पिछले NET गलत हुए हो गए, खत्म हो गया, ठीक है ना, अब का जो NET है उसका आप लोगों ने सोचना है। इवन मैं निकला था NET के बाहर से निकला था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि यार आओ UET का टेस्ट देने चलते हैं, UET की बस पकड़ते हैं, मैंने कहा था नहीं मेरा इधर हो जाएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, उसके बाद नर्वसनेस अपने ऊपर कभी भी नहीं आने देनी, सारे बच्चे जो अंदर बैठे हैं वो आपकी तरह के ही हैं। तो मेरी स्टोरी सिंपली ये थी, अगले दिन मैं घर गया, मेरा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल इवन मैं नर्स के टेस्ट की वजह से इतना थका था, मैंने प्रैक्टिकल की कॉपी भी ऊपर नाम नहीं अपना लिखा था, और जब मैं उधर जाकर मैंने जमा करवाई तो मेरे उसके वजह से नंबर भी कट गए, लेकिन मुझे उससे पहले अपना नेक्स्ट का जो रिजल्ट था वो आ चुका था और मेरा मैकेनिकल में एडमिशन हो गया था। स्टोरी का मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों अपने नोट्स बनाओ, ठीक है ना, जो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो सी इंस्टीट्यूट से पढ़े, उनके नोट्स लो, नोट्स बनाओ और उन नोट्स से पढ़ो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वो नोट्स चाहिए जिनसे मैंने पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हो। अब आप लोगों ने अपने टारगेट्स बनाओ, एक एक दिन को डिवाइड करो, एक एक दिन को डिवाइड करके आपने वहां तक पहुंचना है, अपनी मंजिल, ठीक है ना, मंजिल तक पहुंचना है। तो यही था इस वीडियो में, बेसिकली अपनी बात बताने से मकसद ये था कि मैंने जब प्लानिंग की,
अपनी गलतियां देख के अपने आप को जब इन्वॉल्व किया ना, तब मैं बेहतर होता गया। जैसे मेरे पहले में गलती थी, मैंने तैयारी नहीं की, दूसरे में मैं तैयारी करके गया लेकिन टाइम मैनेजमेंट की गलती आ गई, तीसरे में मैंने टाइम मैनेजमेंट कर दिया। इस साल एनईटी 4 हो रहे हैं, हर साल अब नेस्ट के एनईटी 4 होंगे, मेरी बारी में 3 होते थे। जब 4 हुए तो कॉम्पिटिशन और बढ़ गया, जिसके 152 नंबर है वो दोबारा ट्राई करता है देने के और वो 160 ले लेता है, और जब 160 लेता है तो ऑटोमेटिकली मेरिट ऊपर चला जाता है। तो अब आप लोगों के लिए कंपटीशन सख्त है जितना मेरे लिए था। अगर मैंने कहा 137 पे मेरा हो गया था तो आप कंप्यूटर साइंस में 137 में नहीं होता, 155 से ऊपर लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये एक बेसिकली सिंपल सजेशंस थी। मेहनत करो यार, पढ़ो अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट का बहुत फर्क पड़ता है। स्टूडेंट्स खुद आगे यहाँ पे कहते हैं कि यार अगर आपने इंडस्ट्री में आना तो अच्छे इंस्टीट्यूट का बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री मीन्स अगर आपने मास्टर्स करने के लिए जाना है तो उसमें GPA बहुत मैटर करता है, तो आप छोटी यूनिवर्सिटी से भी अच्छा GPA ले लो तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप लोगों को अपनी लाइन भी पहले से डिसाइड करनी होगी, मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर मैं फास्ट में जा रहा हूँ लेट्स सपोज, उसमें GPA कम आता है तो GPA फिर आप मास्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होगी आप लोगों को। तो आप लोग उस फास्ट से बेहतर है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में लो जहाँ आप GPA ले सको। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में आना तो यू कैन ज्वाइन फास्ट, बहुत अच्छी तैयारी करवाती है, बहुत अच्छा आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करती है, नर्स भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए तैयार करती है, और नर्स में GPA का भी मसला इतना नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो GPA आ जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।